हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम गुड़हल के प्लांट के बारे में बात करेंगे। बहुत सारी समस्याएं गुड़हल के पौधे में आ जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि गुड़हल का पौधा फूल देना बंद कर देता है। तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं समस्याओं के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम उन समस्याओं को ठीक कर सकते हैं और फिर से अपने गुड़हल के पौधे में अच्छी फ्लावरिंग ला सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को डिस्कस करते हैं, जिन्हें फॉलो करके आप भी अपने गुड़हल के पौधे में फ्लावरिंग लाने में 100% सक्सेसफुल रहेंगे। गुड़हल और रोज़ प्लांट एक ऐसे दो पौधे होते हैं जो रेगुलर बेसिस पे केयर चाहते हैं। अगर रेगुलर बेसिस पे हम इन दोनों पौधों की केयर करते हैं, इनमें अच्छे से फर्टिलाइज़र डालते हैं, तो इन पर फ्लावरिंग ज़रूर होती है। फर्टिलाइज़र देने के साथ साथ गुड़हल के पौधे में और भी कई सारी बातें होती हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है, तभी गुड़हल के पौधे में अच्छे फूल आते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो सबसे पहला जो ट्रिक है जिसे फॉलो करके आप गुड़हल के पौधे में फूल ला सकते हैं, वो ये है कि अगर आपके गुड़हल के पौधे में लंबी लंबी ब्रांचेस हो गई हैं, कुछ इस तरह की ब्रांचेस जैसे आप इस पौधे में देख रहे हैं, इस पौधे की ब्रांचेस भी काफ़ी लंबी लंबी हो चुकी हैं, तो आपको सिंपली करना क्या है, आपको अपने प्लांट की प्रूनिंग करनी है। दोस्तों, हिबिस्कस के जो पौधे होते हैं वो टर्मिनल फूलों के साथ उगते हैं। इसका मतलब ये है कि हिबिस्कस के जो फूल आते हैं वो हर ब्रांच के टॉप पार्ट में आते हैं। तो जितनी ज़्यादा ब्रांचेस आपके गुड़हल के पौधे में होंगी, उतनी ज़्यादा फ्लावर्स आपका गुड़हल का पौधा प्रोड्यूस करेगा। कई बार ऐसे होता है ब्रांचेस भी काफ़ी लंबी लंबी हो चुकी हैं, फूल भी आ रहे हैं, पर उनकी क्वांटिटी थोड़ी कम है। वो इसी की वजह से होती है कि ब्रांचेस आपके पौधे में बहुत कम हैं। तो ज़्यादा ब्रांचेस को बनाने के लिए आपको अपने गुड़हल के पौधे की प्रूनिंग करनी होगी। प्रूनिंग से मतलब है पौधे की कटाई छटाई करना। हम अपने पौधे की हार्ड प्रूनिंग भी कर सकते हैं, सॉफ्ट प्रूनिंग भी कर सकते हैं, और पिंचिंग करके भी अपने पौधे को बुशी बना सकते हैं, पर हम किसी भी समय अपने पौधे की प्रूनिंग नहीं कर सकते हैं। हार्ड प्रूनिंग करने का जो सही समय होता है वो स्प्रिंग सीजन होता है, और जैसे अब सितंबर अक्टूबर का मंथ चल रहा है, इस समय आप अपने पौधे की सॉफ्ट प्रूनिंग कर सकते हैं, यानी हल्की प्रूनिंग आप अपने पौधे की कर सकते हैं। उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, हमें अपने गुड़हल के पौधे को 4 या 5 इंच से ऊपर से कट कर देना है। इस पौधे की भी अगर हम सॉफ्ट प्रूनिंग कर देते हैं तो इसमें भी मल्टीपल ब्रांचेस तैयार हो जाएंगी और फूलों की क्वांटिटी है वो भी ज़्यादा हो जाएगी। हमें अपने गुड़हल के पौधे की प्रूनिंग कभी भी विंटर सीजन में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे हिबिस्कस के पौधे की जो ग्रोथ है स्प्रिंग सीजन में कम होती है। इसलिए हमेशा हिबिस्कस के पौधे की हार्ड प्रूनिंग को आप स्प्रिंग सीजन में करें, और हल्की प्रूनिंग यानी सॉफ्ट प्रूनिंग को आप हमेशा सितंबर या अक्टूबर के महीने में करें। दोस्तों, अगर आपका गुड़हल का पौधा बहुत ही छोटा है, अभी हाल ही में आपने उसे लगाया है, तो उस केस में आप अपने पौधे को बुशी बनाने के लिए पिंचिंग कर सकते हैं। पिंचिंग कुछ नहीं होती है, बस ऊपर से थोड़े से पार्ट को कट करना होता है। इस पौधे पर दोस्तों देख सकते हैं फ्लावर बड आ रहे हैं, पर फिर भी मैं आपके लिए इसे थोड़ा सा पिंच कर देती हूँ। पिंच करने के लिए आप सीजर का यूज़ भी कर सकते हैं, मैं अभी अपने हाथों से ही इसे काट रही हूँ, पर ऊपर से थोड़ा सा ऐसे कट कर देना है। इसका बेनिफिट ये है कि अगर आपका गुड़हल का पौधा बहुत ही छोटा है अभी, तो छोटे पौधे में ही मल्टीपल ब्रांचेस तैयार होना शुरू हो जाएंगी। दोस्तों, दूसरा ट्रिक ये है कि अगर आपके गुड़हल के पौधे में इस तरह से पत्ते पीले हो रहे हैं, तो वो किस वजह से पीले हो रहे हैं और फूल भी उसमें कम आ रहे हैं, तो क्या कारण है फूलों के कम होने का। जैसे कि हम जानते हैं कि अभी अभी बरसात का मौसम होके हटा है, तो बरसात के मौसम में क्या होता है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हमने अपने पौधे में दिए होते हैं वो भी पानी के साथ बह जाते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, अपने पौधे में फर्टिलाइज़र ऐड करना होगा। दोस्तों, पत्तों के पीले होने का एक और कारण भी होता है, या तो आपका पौधा गमले में बहुत टाइम से लगा हुआ है और वो रूट बाउंड हो चुका है, तब भी पौधे के पत्ते पीले होने लग जाते हैं। मेरा भी ये पौधा रूट बाउंड था, मैंने इसका हाल ही में गमला चेंज किया है, और गमला चेंज करते समय मैंने इसमें फर्टिलाइज़र भी डाले थे। धीरे धीरे अब ये पौधा उन फर्टिलाइज़र्स को एब्जॉर्ब करेगा, पत्तों का पीलापन भी कम हो जाएगा, और हमारा पौधा ज़्यादा फूलों को प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। दोस्तों, ट्रिक नंबर 3 फर्टिलाइज़र से रिलेटेड है, और आज मैं फर्टिलाइज़र से रिलेटेड कुछ कॉमन मिस्टेक्स भी डिस्कस करने वाली हूँ, कि हम अपने पौधों में फर्टिलाइज़र देते समय कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं वो कर देते हैं।
दोस्तों फर्टिलाइज़र हिबिस्कस के पौधे को चाहिए होता है, पर कई बार हम ऐसा करते हैं फूल नहीं आ रहे हैं ये सोचकर हम अपने पौधे में ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालने लग जाते हैं। जब भी हम अपने पौधों को फर्टिलाइज़ करते हैं हमें गर्मी, बरसात और सर्दी के मौसम का ख्याल रख के ही उसे फर्टिलाइज़ करना चाहिए। और फर्टिलाइज़र अपने पौधे में कितना डालना है उस क्वांटिटी को भी ध्यान में रखकर अपने पौधे में डालना चाहिए। फूल नहीं आ रहे हैं ये सोचकर हम अपने पौधों में फर्टिलाइज़र की क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं, वही हम करते हैं अपने गुड़हल के पौधे के साथ भी। अगर हम अपने गुड़हल के पौधे में नाइट्रोजन जो कि गोबर की खाद में ज़्यादा होता है वो ज़्यादा डाल देते हैं तो पौधे के पत्ते भी सिकुड़ने लग जाते हैं और इसकी कलियाँ भी पीली होकर गिरने लग जाती हैं। एक तो गुड़हल के पौधे के पत्ते सिकुड़ते हैं जब उसमें माइट्स लगे होते हैं और दूसरा कारण होता है जब इसमें गोबर की खाद की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ अगर आप अपने पौधों को फर्टिलाइज़ करना चाहते हैं तो क्वांटिटी को ध्यान में रखकर फर्टिलाइज़ करें। अगर हाल ही में आपने गार्डनिंग की शुरुआत की है तो सबसे पहले थोड़े फर्टिलाइज़र से शुरुआत करें और देखें कि पौधे पर उसका क्या असर हो रहा है। दोस्तों गुड़हल के पौधे में हम गोबर की खाद का भी यूज़ कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं और ज़्यादा फूलों के लिए एक चम्मच पोटाश का भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। और एनपीके अगर आप इसमें डालना चाहते हैं तो वो वाला एनपीके लीजिए जिसमें फॉस्फोरस की क्वांटिटी थोड़ी सी कम हो। दोस्तों एक सबसे अच्छा ट्रिक मैं आपको बताती हूँ गुड़हल के पौधे पर ज़्यादा फूल लेने के लिए, वो ये है कि जब भी आप अपने पौधे को फर्टिलाइज़ करते हैं तो लिक्विड फॉर्म में फर्टिलाइज़र अपने पौधे को दीजिए, जिसका असर आपके पौधे पर 3 से 4 दिन में ही देखने को मिल जाता है। लिक्विड फॉर्म में कुछ नहीं करना होता है, जो भी फर्टिलाइज़र आप अपने पौधे को देते हैं चाहे वो गोबर की खाद है, चाहे वो वर्मी कंपोस्ट है या फिर वो सरसों की खली है, उसको आपको पानी में भिगो के अपने पौधे को देना है। जितनी भी मात्रा आपने अपनी खाद की ली है उसमें आपने दुगना पानी मिलाकर ही अपने पौधे में डालना है ताकि आपके पौधे को उसका शौक ना लगे और पौधा उसको आसानी से एब्जॉर्ब कर ले। दोस्तों एक कॉमन मिस्टेक है जो अक्सर हम करते हैं, कभी भी अपने गुड़हल के पौधे में कच्चे केले का यूज़ ना करें, क्योंकि कच्चा केला ना तो वो डिकम्पोज हुआ होता है और जैसे ही हम कच्चे केले के छिलकों को अपने गुड़हल के पौधे में डालते हैं तो उससे हमारे पौधे में चींटियां और फंगस लग जाती हैं। इसलिए केले के छिलकों का यूज़ करना चाहते हैं तो सबसे पहले उन्हें अच्छे से सुखाएँ और सुखाने के बाद ही अपने पौधे में उनका यूज़ करें। कोई भी चीज़ जब अच्छे से डीकम्पोज नहीं हुई होती है और हम अपने पौधों में उसका यूज़ करते हैं तो हमारे पौधे पे उसका अच्छा असर देखने को नहीं मिलता है, बल्कि उल्टा असर ही आपके पौधे पर उसका पड़ेगा। इसलिए कच्ची चीज़ों का यूज़ अपने पौधे पे ना करें और फर्टिलाइज़र डालने का एक प्रॉपर शेड्यूल बना लें कि कितने दिन बाद आपने अपने पौधे को दोबारा से फर्टिलाइज़ करना है ताकि आपके पौधे पर उसका अच्छा असर देखने को मिले। चौथा ट्रिक है गुड़हल के पौधे से ज़्यादा फूल लेने के लिए, जो भी फूल आपके पौधे पर सूख जाते हैं उन्हें साथ के साथ निकालते रहें, क्योंकि सूखे हुए फूल बीज बनाना शुरू कर देते हैं जिससे कि आपके पौधे पर फूलों की संख्या कम होने लग जाती है। और पांचवा ट्रिक गुड़हल के पौधे से अच्छे फूल लेने के लिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, वो ये है कि अपने गुड़हल के पौधे पर समय समय किसी अच्छे इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करते रहें, क्योंकि पेस्ट अटैक गुड़हल के पौधे पर बहुत ज़्यादा होता है। वाइट फ्लाइज, मेलीबग्स और उसके साथ साथ एफिड्स भी गुड़हल के पौधे पर अटैक करते हैं। उसके लिए मैं जो इंसेक्टिसाइड का यूज़ करती हूँ वो कॉन्फिडोर का यूज़ करती हूँ। आप चाहे कोई भी इंसेक्टिसाइड ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं या फिर लोकल सीड स्टोर से भी उसे ले सकते हैं। अगर आप किसी भी केमिकल इंसेक्टिसाइड का यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो अपने पौधे पर हफ्ते में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे भी कर सकते हैं, पर मैंने ये देखा है अगर हम केमिकल इंसेक्टिसाइड का यूज़ करते हैं तो मेलीबग्स और एफिड्स इतनी जल्दी दोबारा से हमारे पौधे पर अटैक नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे 5 मेन इंपॉर्टेंट ट्रिक्स जिन्हें फॉलो करके आप अपने गुड़हल के पौधे पर खूब सारे फूल ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।